केरल से जिले की प्राथमिक शालाओं में नियुक्ति आदेश लेकर भटक रहे नव नियुक्त शिक्षकों की परेशानी खत्म होते नजर नहीं आ रही है। भोपाल स्तर पर जहां इन शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति दी गई, वहीं जिले में पहुंचने पर मनचाही जगह पर नियुक्ति नहीं मिलने से अब अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर नजर आ रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि गत दिनों समूच जिले के बजाय केवल भगवानपुरा और जीनिया ब्लॉक के शिक्षक विहीन एवं बिना शिक्षकों वाले विद्यालय में नियुक्ति के लिए 246 शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही थी, जो विरोध के चलते टाल दी गयी। अब शिक्षक दो ब्लॉकों के बजाय पूरे जिले में एक साथ नव नियुक्त सभी 561 शिक्षकों को ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के आधार पर नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सोमवार को कई नवनियुक्त शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। पालकों एवं बालिकाओं द्वारा पुलिस से त्वरित कार्यवाही करने की मांग की गई। इस विषय पर TI गीता सोलंकी द्वारा मीडिया को कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारी ये समस्या लेकर आए हैं कि हम लोगों को 4 तारीख को प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। उन आदेश के अकॉर्डिंग जो हमें स्कूल अलॉट हुए थे, वो स्कूल हमें नहीं दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अतिशेष में वो स्कूल चल रहे हैं और अतिशेष के कारण से हम लोगों की नियुक्ति अब दूसरी जगह की जाने की बात कही। 15 तारीख के दिन काउंसलिंग के लिए हमें सारे झरना ब्लॉक के ही स्कूल दिए, बोले आप इसी में से चॉइस फिल करिए और इसमें से आप हमें बताइए। तो उस चॉइस फिलिंग को हमने निरस्त करवाते हुए अब हम यह समस्या लाए हैं कि या तो हमें जो आदेश के हिसाब से मिले हैं स्कूल वही मिले, या फिर हमें पूरे 7 ब्लॉक के जो भी रिक्त पद है वो सारे बताए जाएँ और डबल से वापस से पूरी काउंसलिंग करवाई जाए। क्या नाम है आप? सरिता सोलंकी नाम। ये बाद में अपने अपने वालों को रेवड़ी बांटने के लिए यहाँ की सीटें खाली नहीं बताई और बाद में अपने अपने वालों को दे देंगे। करीब 10 लोगों को अलग से भी ट्रेनिंग दी गई है, ये जो सभी के संज्ञान में नहीं है, फिर भी अलग से आदेश जारी करके उन लोगों को ट्रेनिंग दे दी। सर महोदय के आगे ये समस्या लेके आए हैं कि हमें भोपाल से चॉइस फिलिंग के आधार पे स्कूल मिली थी, जैसे कि मेरे को प्राथमिक विद्यालय ढाबला मिला था, पर ये बोलकर आदेश निरस्त कर दिया गया कि वहाँ पर पूर्व में ही एक्स्ट्रा टीचर है। और अब हम आधे लोगों को 245 लोगों को नियुक्ति दे दी गई है, परंतु तो हम करीब 300 के करीब शिक्षक रह गए हैं। और अब हमें बोल रहे हैं कि आप जिर्निया या भगवानपुरा डबल से चॉइस फिलिंग का बोला, और उसमें भी बोल रहे हैं कि झिरनिया और भगवानपुरा ब्लॉक की स्कूलें ही रखी हमारे सामने, जबकि गोगावा, खरगोन और अन्य विकास खंडों में भी स्कूल खाली पड़ी है, परंतु वो हमारे आगे उन स्कूलों की लिस्ट रखी नहीं गई है। और बोला कि आपको SC साहब द्वारा कहा गया कि आप चॉइस फिलिंग में काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं। क्या मानते हैं, किसी पर्टिकुलर शिक्षकों को महत्व देने के लिए नहीं दे रहे हैं आपको, या नए नियुक्तों को वहाँ प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं? नए नियुक्तों को ये जो रोड की स्कूलें हैं और जो प्रॉपर की स्कूलें हैं या यहाँ पर भर्ती नहीं करना चाहते, इस वजह से मुख्यालय नहीं दे रहे आपको। वो बोल रहे हैं कि पहले हम शिक्षक विहीन स्कूलें झिरनिया ब्लॉक की और भगवानपुरा ब्लॉक की भरेंगे, उसके बाद यदि कैंडिडेट बचते हैं तो उन्हें खरगोन, गोगावा, सेगावा, महेश्वर ब्लॉक की स्कूलें दी जाएंगी। हमें पहले अलॉटमेंट हो चुका है, जबकि हमें पहले से अलॉटमेंट यहाँ हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि आप ये स्कूलें लो और यदि काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है तो बाहर चले जाओ, परंतु उस दिन काउंसलिंग निरस्त हो गई। हम चाहते हैं कि सभी ब्लॉकों की जितनी भी रिक्त स्कूलें हैं वो हमारे सामने रखी जाए, फिर हम चॉइस फिलिंग करेंगे। और जिन आधे 100-200 लोगों की नियुक्ति हो गई है वो भी निरस्त होके सभी कैंडिडेट जो 550 कैंडिडेट है सभी की साथ में चॉइस। ये समस्या क्या स्थानीय स्तर पर खड़ी की जा रही है? ये स्थानीय स्तर पर खड़ी की जा रही है, गलती यहाँ की सहायक आयुक्त की है, इन्होंने गलत स्कूलें रिक्त पद बता के पहले से भरी हुई सलाई भी रिक्त पोर्टल अपडेट नहीं किया गया और रिक्त पद बता दिए, जिसके कारण ये समस्या खड़ी हुई। और अब अपनी गलती छुपाने के लिए ताकि आगे तक बात नहीं पहुँचे, अब यहाँ स्थानीय स्तर पर निपटाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।